आज से चीन और पाकिस्तान में खलबली मचने जा रही है। जी हाँ, आज भारत में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, जबकि दुनिया में खलबली मच जाएगी। आज यानी वीरवार को INS अरिघात पनडुब्बी नौसेना में शामिल होने जा रही है, यानी कि भारतीय नेवी में दुश्मनों का एक और काल आने वाला है। परमाणु बम से 750 किलोमीटर दूर तक तबाही मचाने वाला INS अरिहंत का यार अरिघात आज समंदर में उतरने जा रहा है। INS अरिघात के 15 मिसाइल से लैस होगा, जो काफी खतरनाक है। इससे दुश्मनों की हर चाल नाकाम होगी। INS अरिघात सबमरीन समंदर में घात लगाकर दुश्मनों को खोज खोज कर सफाया करेगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये परमाणु ऊर्जा से चलती है और ये महीनों तक पानी में डूबी रह सकती है। इस प्रकार भारत की ये दूसरी पनडुब्बी है। इसकी खासियत ये है कि ये पनडुब्बी दुश्मनों को पता लगे बिना ही हमला करने में सक्षम है। ये पनडुब्बी दुश्मन की नजर से अपने आप को बचाते हुए दुश्मन पर अचानक हमला करने में सक्षम है। तो आइए जानते हैं कि इस पनडुब्बी की कुछ और विशेषताएं क्या है। ये पनडुब्बी 112 मीटर लंबे INS अरिघात के 15 मिसाइलों से लैस होगी और इन मिसाइलों की मारक क्षमता 750 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी कि दुश्मन समंदर में चाहे कहीं भी छिपे हो, उनका पता लगाकर घात लगाकर हमला करने में ये माहिर है। आज ही यानी कि गुरुवार को विशाखापट्टनम के सीक्रेट जहाज निर्माण केंद्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में नौसेना में शामिल होगी। यहां बता दें कि INS अरिघात से पहले K-15 मिसाइल को 2018 में INS अरिहंत पर इंजेक्ट किया गया था। अरिघात और अरिहंत बिल्कुल समान है, मगर INS अरिघात अपने पूर्ववर्ती अरिहंत से काफी ज्यादा एडवांस है। ये दोनों सबमरीन मिलकर देश की परमाणु त्रय या कहें कि जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु बम दागने की क्षमता को मजबूत करेंगे। सैन्य सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार INS अरिघात INS अरिहंत के साइज, लंबाई और चौड़ाई के ही बराबर है, लेकिन ये उससे ज्यादा K-15 मिसाइलों को ले जा सकता है। साथ ही ये अरिहंत से हर मामले में अधिक सक्षम, कुशल और सीक्रेटली अटैक करने वाला है। INS अरिहंत और INS अरिघात दोनों पारंपरिक पनडुब्बियों से बिल्कुल भी अलग हैं। इनसे पहले कमीशन हुई डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां अपने बैटरी को रिचार्ज करने के लिए ऑक्सीजन लेने के हर 2 दिन में सतह पर आती है या स्नोर्कल करती है। इसके विपरीत अरिहंत और अरिघात 83 मेगावाट दबाव वाले लाइट वाटर के रिएक्टरों से संचालित होती है। उनमें लगे छोटे परमाणु रिएक्टर की वजह से ही वो महीनों तक पानी में डूबे रह सकते हैं। तो इस तरह आप समुद्र में भी भारत का जो बोलबाला और धाक है वो बढ़ने जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी खबर के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।